गुड़ को और इमली को पानी में फुला लेना है 6 घंटे के लिए, और फिर इमली और गुड़ के पानी को छान लेना है इस तरह से। ये करने से इमली के पानी में जो भी एक्स्ट्रा होता है वो ऐसे हट जाता है, और गुड़ में भी इफ़ अगर कुछ इम्प्योरिटी है तो वो छन जाता है। कढ़ाई को गर्म करके उसमें 1 चम्मच तेल रखना है, और उसमें अजवाइन मंगरेल 1 चम्मच में इतना सा लेकर के, और 2 तेज़पात या 2 तेज़पत्ता तेल में रख देना है। अजवाइन मंगरेल और तेज पत्ता रखने के बाद हम इसे 15 सेकेंड तक भूनेंगे, और फिर इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे छोटे चम्मच से 1 चम्मच। यह हमारे चटनी को हल्का तीखा फ्लेवर देगा, तीखा मीठा और चटपटा। और फिर हम इसमें डालेंगे इमली का पानी। इमली का पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 नॉर्मल चम्मच से आधा चम्मच हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे। हल्दी का पाउडर डालने के बाद हम इसे 2-3 मिनट तक पकने देंगे, और जब ये 2-3 मिनट पक जाए फिर हम इसमें गुड़ का पानी डालेंगे। गुड़ का पानी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, आधा चम्मच, नॉर्मल चम्मच से आधा चम्मच नमक डालेंगे, और इसे 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा या गाढ़ा हो जाए। जब तक ये थोड़ा ठीक नहीं हो जाता तब तक हम इसे मतलब नहीं उतारेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो 25 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसे बंद कर देंगे और इसे उतार लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।